नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं वुडन फर्नीचर को घर ही घर में कैसे पॉलिश किया जाए। आप देख रहे हैं मेरा मंदिर कितना मस्त चमक रहा है, उसका एक हर एक खंभा देखिए। ये मंदिर जो है मेरा 20 साल पुराना है, बहुत डल हो गया था, मैंने घर में ही पॉलिश कराया, बहुत कम पैसे में और बहुत कम मेहनत में। तो चलो देखते हैं, ये कुर्सी है मेरे सोफे की, ये भी देखिए मैंने इसको भी पॉलिश करवाया है, ये भी नई सी लग रही है। अभी हम लोग देखते हैं इसका वुड स्ट्रक्चर, देखो कितना मस्त सब चमक रहा है। अभी मैं इसी का ओरिजिनल सोफा दिखाती हूँ, देखो इसका इस तरह से पूरा कलर उठ गया था, एकदम डल सा लग रहा है, कहीं भी चमक नहीं है और वो डार्क कलर भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि वुडन बहुत अच्छा। तो मैंने पहले इसका कलर निकाल दिया है, उसके लिए मैंने सैंड पेपर का यूज़ किया है। ये पूरा कलर मुझे निकालना है क्योंकि मुझे वुडन पॉलिश चाहिए, तो इसके लिए मैंने सैंड पेपर का यूज़ किया है। सैंड पेपर जो होता है वुड के लिए रफ सैंड पेपर का यूज़ होता है, कोई भी दुकान में मिल जाएगा जहाँ पे पॉलिश मिलता है। तो ये वन ही डायरेक्शन में घिसना, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें प्लेननेस स्मूथनेस आ जाती है। ये जब तक घिसना है, जब तक इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो मेरे जैसा, तो उस तरह से पूरा कलर निकल जाए। तो पूरा कलर निकालने के बाद ये वुड की जो लकड़ी की ये नहीं निकलेगी, लेकिन बाकी आप वुड स्ट्रक्चर देख सकते, इतना मस्त नजर आ रहा है। अभी मैं पूरा सोफा दूसरी भी साइड से देखिए, और ये नीचे पड़ा हुआ डस्ट जो है वो हमें कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी सोफ़ा मैंने कहा है मेरा सोफ़ा भी बहुत पुराना है, 18 से 20 साल पुराना होगा, तो अभी इसमें भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी दरारें, छोटे छोटे क्रैक्स हैं, तो वो भरने के लिए ये काम आ जाएगा। तो ये जो वुड डस्ट है, ये वुड डस्ट थोड़ा सा कलेक्ट कर लो, और उसके साथ जो फेविकॉल दिखाया हमारा, जो फेविकॉल ऐड कर लो। देखो मैंने लिया है इस तरह से, उसमें फेविकॉल ऐड करना है, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं वैसे गूंथना है। आप हाथ से भी गूंथ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई खुजली उजली कुछ नहीं होती है, मस्त एकदम नरम आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथना है, या फिर आपके पास पत्रे जो पड़े रहेंगे या स्पून से भी कर सकते हो आप चाहो तो। तो मैंने फेविकॉल डाल दिया है, और उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद वो क्या होगा, जहाँ पे वुड की गांठे है, अभी देखो मेरा मिश्रण देख सकते हैं, इतना मस्त सॉफ्ट है, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गैप के अंदर भरने के लिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक है, दिख रहा है, अभी वो वुड की डस्ट गिरी है, वो साफ करके पहले मैं उसमें ये पूरी दरार भर देती हूँ, पूरे अंदर पत्रे का सहायता से भर देती हूँ, साइड में भी है। तो वो देखो इस तरह से पत्रा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, एक स्मूथनेस आ जाती है अगर आप पत्रा यूज़ करेंगे तो, नहीं तो क्या होता है ना, खबड़ खबड़ होता है। तो मैंने पूरा सोफा निकाल दिया, देखो यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, ऐसे कहीं छोटे छोटे, तो मैंने उसको हाथ से ही भर दिया है। अभी देखिए वुड स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, सोफा अपना पूरी तरह से मैंने साफ कर लिया, पीछे वाली पट्टियों पर ज़्यादा मेहनत नहीं ली, क्योंकि वो वैसे भी ढक जाती है अपनी जो पिलोज होती है उसके साथ, सेकेंडली वो ज़्यादा गंदी भी नहीं। अभी मैंने ये वुड पॉलिश लिया है, येलोइश कलर का लिया है। इसको लगाने के लिए हमें ब्रश की नहीं बल्कि एक कपड़े की आवश्यकता होती है, कपड़ा यानी एक आधा होजियारी का जो अपना कोई भी पुराना बनियन टी शर्ट का कपड़ा रहेगा वो भी चलेगा, लेकिन जब आप लगाओगे तो ध्यान रखना है हाथ में एक तो ग्लोव्स पहनो, या फिर मैंने पहना हुआ है वैसे प्लास्टिक का एक पॉलीथीन का कोई भी थैली ले लो। मैंने ग्लोव्स लाए थे लेकिन वो बहुत पतले थे, तो उसके अंदर से वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए, तो मैंने पॉलीथीन का बैग ही लिया है। अभी देखो मैंने वन कोट दिया है, आप देख सकते हैं वुड का स्ट्रक्चर कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से पहला कोट देना है, उसको सूखने देना है। देखो इस पर भी मैंने पहला कोट दिया है, वो नियरली सूखने को आया है, लेकिन कितना अच्छा चमक रहा है। लेकिन और इस पर मुझे तीन कोट की ज़रूरत पड़ी, तो पहला कोट दिया मैंने, सेकेंड कोट दिया, और थर्ड कोट में देख रहे कितना खूबसूरत चमक रहा है, एकदम मिरर पॉलिश बोल सकते ना उस तरह से। तो मैंने सोफे को कलर किया, उसके साथ की दो चेयर को किया, ऊपर से ये टीपॉय किया, जो मंदिर दिखाया वो किया, घर में जो चौरंग था और छोटी मोटी जो चीज़ें थी जहाँ पॉलिश की ज़रूरत थी वहाँ मैंने पॉलिश किया। हाँ मंदिर को मुझे ज़्यादा घिसना नहीं पड़ा क्योंकि उसके ऊपर विनियर लगा था, लेकिन सोफे का तो मैंने टोटली लुक ही चेंज कर दिया है। तो आपके घर पे ज़रूर ट्राई करना, एक तो खर्चा बहुत कम आया, नियरली 400 रुपये के अंदर हो गया, दिखता भी खूबसूरत है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।